हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइन है। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल होम प्लानिंग के वीडियो लाता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ 12x16 का। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो साइड रोड है इसमें। 12x16 का ये प्लान है, एक दुकान के साथ है। इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था मुझे कि मुझे 12x16 का प्लान चाहिए, तो मैंने उनके लिए डिजाइनिंग की। अगर आपका भी प्लॉट पड़ा है इस तरीके तो आप एक बनवा सकते हैं। अगर आपका कोई अदर साइज का प्लॉट पड़ा है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, मैं आपका प्लान डिजाइन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी रीड डिजाइनिंग की, और वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से समझना होगा, देखना होगा पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है 12x16 कंप्लीटेड बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एक इधर से रोड है और एक ये रोड है, दो रोड है, एक यहाँ से रोड है, एक यहाँ से रोड है, दो रोड है। अब मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, मैंने कहाँ पे क्या दिया सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ। बेडरूम कितने दिए हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट, ये आपका मेन गेट है, देखिए ये आपका मेन गेट है। मेन गेट यहाँ पे मैंने 4 फीट 8 इंच का दिया है, 4 फीट 8 इंच का दिया है, पूरा गेट दिया है 4 फीट 8 इंच का है टोटल। गेट से अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, गेट से अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आपको यहाँ पे जीने के नीचे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, बाइक साइकिल वाइकिल जो कुछ आपके पास हो सब कुछ यहाँ पे रख सकते हैं आप। उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे जीना मिल जाएगा। ये जीना जो आप देख रहे हैं, ये जीना 2 फिट का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जीना 2 फिट का है। और ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं आप, ये 4 सीढ़ियाँ हैं, ये है 2 फिट 8 इंच की सीढ़ियाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे जगह 4 फिट 8 इंच थी तो आधा आधा क्यों नहीं बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया, अगर मैं आधा आधा बना देता तो यहाँ पे जगह निकलने के लिए नहीं बचती। यहाँ पे जगह अभी यहाँ पे जगह 3 फिट है निकलने के लिए, 3 फिट परफेक्ट जगह है, नहीं तो यहाँ पे 2 फिट जगह बचती। यहाँ पे तो मेन जगह है, यहाँ पे तो निकलने के लिए 3 फिट से कम जगह होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फिट का जीना दिया। बहुत ही परफेक्ट 2 फिट है, कोई दिक्कत नहीं है जाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम दी है 4x5, 4x5 की मैंने लेटरिन बाथरूम दी है, ये 3 फिट का गेट लगा दिया उसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटी सी दुकान, सर ने बोली थी मुझसे, तो मैंने छोटी सी दुकान बना दी 6x6 की ये दुकान है। और इसका गेट मैंने अंदर से भी दे दिया है कि आप दुकान से डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप इस साइड भी शटर लगाना चाहते हैं तो इस साइड भी शटर लगा सकते हैं, आपके घर में दो रोड है तो दोनों साइड आप शटर लगा सकते हैं। मैंने अभी एक साइड लगाया, आप अपने हिसाब से जिस साइड आपकी मेन रोड हो उस साइड आप शटर लगवा सकते हैं, इस साइड या उस साइड। तो मैंने यहाँ पे कोई बेडरूम नहीं बनाया, मैंने बेडरूम इसलिए नहीं नीचे बनाया ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि कोई सामान अगर आप लाते हैं या दुकान का है, आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी तो आप यहाँ पे अपना पूरा सामान रख सकते हो, दुकान का सब कुछ रख सकते हैं। कोई आता है तो यहाँ पे आप चेयर डाल के बैठ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बैठक नॉर्मल सी बना सकते हैं, खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई बेड डाल सकते हैं, सब कुछ इस तरीके। इस वजह से मैंने यहाँ पे दीवार नहीं कहीं बनाई, पूरा हॉल रखा है, पूरे में आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर यहाँ से आना है इस गेट से तो इस गेट से अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आए। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की, ये तो था ग्राउंड फ्लोर। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखेगा। जीने से आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का पूरा मैप दिख जाएगा। जीने सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले आपको एक किचन मिलेगी बहुत ही प्यारी सी। अब आप यहाँ पे पूरा समझना होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, दरअसल ये मकान इस तरीके से यहाँ तक ये 12 फिट है, देखो ये यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ तक 16 है और यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये थोड़ा सा तिरछा मकान है, थोड़ा सा तिरछा मकान है, तो इस वजह से इसकी डिटेलिंग सही से नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 फिट है टोटल, मैंने ये अपने हिसाब से बनाई है 4x6 की, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 5 फिट 4 इंच की हो गई आगे,
देख सकते आप तिरछी है ना, इसलिए तो यहाँ से यहाँ तक 5 फीट 4 इंच हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेटरिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाएगी, जिसका साइज मैंने दिया है 4 बाई 5, 4 बाई 5 मैंने साइज दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक गेट रूम, इस गेट का रूम मिलेगा और एक इस रूम का गेट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने ये 3 फीट की गैलरी दी हुई है, ये 3 फीट की गैलरी है, देख सकते हैं 3 फीट की ये गैलरी है। इस रूम का साइज है 10 बाई 9, इस रूम का साइज है 10 बाई 9 और इसका साइज है 9 बाई 9, इसका साइज है 9 बाई 9। मैंने रूम का साइज बहुत ही परफेक्ट किया है, क्योंकि रूम का ही पूरा यूज है घर में, इसलिए मैंने रूम का साइज बहुत ही परफेक्ट दिया है। इसका साइज है 10 बाई 9 और इसका साइज 9 बाई 9, बहुत ही परफेक्ट साइज दिया है, जगह के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रूम है दोनों। और दोनों में खिड़की लगी हुई है, इस रोड से एक एक खिड़की लगी हुई है और इस रोड से भी एक खिड़की लगी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस है, ये देख सकते हैं, इधर कहीं जहाँ जाना हो वहाँ पे जाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा स्पेस दिया। फिर उसके बाद फिर आपका जीना मिल जाएगा, जीने से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आप कुछ इस तरीके से देखेगा, जीने से आप ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको किचन मिलेगी 4 बाई 6 की, 4 बाई 6 की किचन मिलेगी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच 5 फीट 4 इंच हो गई आके यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको एक लेटरिन बाथरूम कंबाइंड मिलेगी, जिसका साइज मैंने दिया है 5 बाई 4, 5 बाई 4 साइज दिया है। और यहाँ पे आपको 2 बेडरूम और मिल जाएंगे ऊपर, जिसका साइज एक का साइज है 10 बाई 9, एक का साइज है 9 बाई 9। इसमें दोनों रूमों में दो दो खिड़की लगी हुई है, इसमें भी 2 खिड़की लगी, एक अंदर से एक बाहर से, इसमें भी 2 खिड़की लगी है, एक इस साइड से इस रोड से और एक इस रोड से, देख सकते हैं आप। अब बात आती है लास्ट में अटिया की, ये आपकी अटिया कंप्लीटेड बनी हुई पूरी, देख सकते हैं। जीने मैंने ग्लास का यूज कर दिया है, इसलिए काफी अच्छी खासी रोशनी आपके घर में जाती है और लुक भी थोड़ा अच्छा बन गया। इसलिए लेटरिन बाथरूम सारी में मैंने खिड़कियों का यूज किया है, देख सकते हैं इस तरीके से। वॉच के लिए मैंने छज्जे का यूज किया है, छज्जा डाल दिया थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का प्लान पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ पे मैंने छज्जा 3-3 फीट का निकाला हुआ है, ये छज्जा 3 फीट का इस साइड से भी है और इस साइड से भी 3 फीट का छज्जा है, देख सकते हैं आप। दोनों साइड रोड थी तो दोनों साइड सर ने बोला था 3-3 फीट आप छज्जा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रोड इनकी 40 फीट की है, एक रोड 30 फीट की है, तो आप छज्जा बहुत ही बेहतरीन से निकाल, कोई इतराज नहीं करेगा 3 फीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने धन्यवाद।